फ्रेंड्स आप देखेंगे कि जो हमारी फर्श में जो टाइल लगी है इसमें हमने कटिंग करके एक नाली बनाई है जिसकी लंबाई 8 फीट के आसपास है और इसकी चौड़ाई 7 इंच है और इसमें हमने एक सीमेंट की पट्टी बनाई हुई है दोनों साइड और इस पट्टी की चौड़ाई आधा इंच है। इस पट्टी से जो नीचे RCC करी इसकी गहराई जो है लगभग 1.5 इंच है। टाइल्स के ऊपरे हिस्से से इस सीमेंट की पट्टी गहराई 8 mm है। सबसे पहले कुछ इस तरह से हम टाइल्स के ऊपर मास्किंग टेप लगाएंगे और इस नाली में हम स्प्रे पेंट करेंगे। फ्रेंड्स टाइल्स पे मास्किंग टेप लगाने का ये बेनिफिट है कि जो हम स्प्रे पेंट करेंगे वो टाइल्स पर नहीं लगेगा। चलिए अब इसमें स्प्रे पेंट करते हैं। स्प्रे पेंट होने के बाद टाइल्स पे लगी हुई मास्किंग टेप ये हटा लेंगे। टाइल्स में बनाई हुई नाली के एक कोने में हमने ये बिजली का पॉइंट दिया है। उसके बाद हमने RGB स्ट्रिप लाइट लेनी है। ये आपको 450 रुपये की किसी बिजली की दुकान से मिल जाएगी। चलिए पहले RGB स्ट्रिप लाइट फिट करते हैं। RGB स्ट्रिप लाइट फिट करते समय हमने कुछ टफन ग्लास के पीसेस लेने हैं और इन पीसेस से हमें इस RGB स्ट्रिप लाइट को ढकना है। फ्रेंड्स ध्यान रहे हमने जो RGB स्ट्रिप का अडाप्टर वाला हिस्सा है वो बिजली का पॉइंट जो दिया उसी साइड ही रखना है। इसके बाद हमने कुछ मार्बल के कलरफुल पीसेस लिए हुए हैं जो फिश एक्वेरियम की दुकान से मिल जाएंगे। ये लगाने से थोड़ी लाइट सुंदर दिखेगी तो इनको लगा लेते हैं। इसके बाद हमने जो अडाप्टर लिया था ये इस RGB लाइट में फिट कर लेंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद हमने 8 mm का टफन ग्लास का पीस लिया है उसके ऊपर हम मास्किंग टेप लगाएंगे और मास्किंग टेप कुछ इस तरह से लगानी है कि मास्किंग टेप के जो बाहर का गैप है वो लगभग 1 इंच के आसपास होना चाहिए जिसपे हमने स्प्रे पेंट करना है। आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। और इस ग्लास की लंबाई लगभग 8 फुट और चौड़ाई 7 इंच हमने नाली के हिसाब से रखी है। इसके बाद हम बीच वाले हिस्से पे न्यूज़पेपर के कुछ पीसेस लगाएंगे जिससे हम स्प्रे पेंट करते समय उस बीच वाले हिस्से पे स्प्रे पेंट ना लग सके। ये हमारा आखिरी न्यूज़पेपर भी लग गया। अब स्प्रे पेंट करते हैं। लगभग 1 घंटे बाद हम ये मास्किंग टेप और न्यूज़पेपर उस ग्लास पे से हटा लेंगे। अब स्प्रे पेंट पूरी तरह सूख चुका है। हमारा टफन ग्लास बिल्कुल तैयार हो गया नाली पे रखने के लिए। चलिए इसको नाली पे रखते हैं। फ्रेंड्स टफन ग्लास पर स्प्रे पेंट द्वारा बॉर्डर बनाने का हमारा एक ही मकसद था कि ये जो पट्टी सीमेंट की हमने बनाई है ये इस पेंट के द्वारा ढक जाएगी और ये दिखेगी नहीं। देखिए कुछ इस तरह से। चलिए अब लाइट ऑन करके देखते हैं। फ्रेंड्स ये फ्लोर में जो हमने लाइटिंग सिस्टम बनाया है जी आप बिना लाइटिंग के भी कर सकते हैं। देखिए ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है।
तो फ्रेंड्स इसके अलावा आप फ्लोर के अंदर दूसरा पैटर्न भी बना सकते हैं, जैसे कि चेस पैटर्न। जैसे कि देखिए मैंने टाइल्स के ऊपर यहाँ टफन ग्लास के पीसेस रखे हैं, इस जगह आप टाइलिंग हटा के इसमें पीसेस देके ये चेस पैटर्न बना सकते हैं।